हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डेली करंट अफेयर्स सेशन ऑफ 20th नवंबर, इन विच वी विल कवर इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम सेवरल न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड वेरियस गवर्नमेंट सोर्सेज। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। आवर फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल 32 एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 32 और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर, वो हम जानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबरे हैज ऑब्जर्व दैट इट इज ट्राइंग टू डिस्करेज इंडिविजुअल फ्रॉम फाइलिंग पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है जिनको कि हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एसए बोबरे, उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि वो ट्राई कर रहे हैं कि डिस्करेज किया जाए इंडिविजुअल को फाइल करने से पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 के कॉन्स्टिट्यूशन का। द ऑब्जर्वेशन केम ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ए पिटीशन सीकिंग द रिलीज ऑफ जर्नलिस्ट सिद्दीकी कपन, हु वॉज अरेस्टेड विद 3 अदर्स वाइल ऑन द वे टू हथरस उत्तर प्रदेश टू रिपोर्ट ऑन एन एलिज गैंगरेप एंड मर्डर। ये जो ऑब्जर्वेशन है उस समय आया जब वो हियर कर रहे थे एक पिटीशन को जिसमें बात की गई थी कि रिलीज किया जर्नलिस्ट को सिद्दीकी कपन, जिनको कि अरेस्ट किया गया था 3 अदर्स के साथ जब वो हथरस के उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट कर रहे थे एलिज गैंगरेप और मर्डर के केस का। आर्टिकल 32 के बारे में हम जान ले। आर्टिकल 32 डील्स विद द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और अफर्म दैट राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय एप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ राइट कन्फर्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 32 डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से और अफर्म करता है कि हमारे पास अधिकार है, हम जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट लेकिन अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग के द्वारा इन्फोर्स कराने के लिए अधिकार को, जो कि मेंशन है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इट इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इच सिटीजन आर इंटाइटल्ड। ये वन ऑफ द फंडामेंटल राइट है जो कि लिस्टेड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि हर एक सिटीजन को दिया गया है। इट स्टेट दैट द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इश्यू डायरेक्शन और ऑर्डर और रीड फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी ऑफ द राइट कन्फर्म्ड बाय दिस पार्ट। ये स्टेट करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इश्यू करने का डायरेक्शन व ऑर्डर व रीड इन्फोर्स करने के लिए कोई भी जो राइट है जो कि कन्फर्म्ड किया गया है इस पार्ट के द्वारा। द राइट गारंटी बाय दिस आर्टिकल शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो राइट गारंटी किया गया है इस आर्टिकल के द्वारा उसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता एक्सेप्ट जैसा कि बताया गया कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन उसके अनुसार। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैज कॉल्ड इट द वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको हार्ट और सोल भी कहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि इसको नहीं सस्पेंड किया जा सकता सिर्फ इमरजेंसी को छोड़ के, इस कारण ये काफी इंपॉर्टेंट राइट हो जाता है। आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि हेल्थ एंड सोल किस फंडामेंटल राइट को बोलते हैं, आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। अब राइट प्रोटेक्टेड बाय आर्टिकल 32, जो राइट प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 32 के अंतर्गत, द आर्टिकल इज इंक्लूडेड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो ये आर्टिकल है वो इंक्लूडेड है पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन का अदर फंडामेंटल राइट के साथ, जो कि इंक्लूड करता है इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को, फ्रीडम ऑफ रिलीजन को। ओनली इफ एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड कैन अ पर्सन कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। और अगर इसमें से कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो पर्सन अप्रोच कर सकता है सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 के। टाइप ऑफ रीट अंडर रीट, जो रीट हम लोग को दिया गया इस आर्टिकल के अंतर्गत, बोथ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट कैन बी अप्रोच फॉर वायलेशन ऑफ इनएक्टमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट थ्रू दी 5 काइंड ऑफ रीट, कि हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों पे अप्रोच कर सकते हैं अगर वायलेट होता है फंडामेंटल राइट हमारा तो, और 5 टाइप का रीट हमको इस कारण प्रोवाइड किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंतर्गत जा सकते हैं हम, और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 जो कि फंडामेंटल राइट है। ठीक है, तो अब हम जो रीट है 5 टाइप का वो जान ले। तो सबसे पहला रीट है हमारा हैबियस कॉर्पस, ये रिलेटेड है पर्सनल लिबर्टी इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन एंड रॉन्गफुल अरेस्ट, यानी अगर किसी को इलीगली डिटेन कर दिया गया है उसका जो अरेस्ट वो रॉन्गफुल है तो उस पर हैबियस कॉर्पस रीट यूज किया जाता है। मैंडामस, डायरेक्टिंग पब्लिक ऑफिशियल गवर्नमेंट कोर्ट टू परफॉर्म अ स्टेटूटरी ड्यूटी, मैंडामस रीट जो है वो डायरेक्ट करता है जो पब्लिक ऑफिशियल है गवर्नमेंट है वह कोर्ट को, वो परफॉर्म करे अपने स्टेटूटरी ड्यूटी जिसके लिए उनको उस पोस्ट में रखा गया है। क्यों वेरेंटो, टू शो बाय व्हाट वारंट इज अ पर्सन होल्डिंग पब्लिक ऑफिस, क्यों वेरेंटो शो करता है कि किस अधिकार से जो पर्सन वो होल्ड कर रहा है उस पब्लिक ऑफिस को। प्रोहिबिशन, डायरेक्टिंग जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी टू स्टॉप प्रोसीडिंग विच इज हैड नो ज्यूरिसडिक्शन फॉर, प्रोहिबिशन डायरेक्ट करता है जुडिशियल व क्वासी जुडिशियल ऑथोरिटी को कि वो स्टॉप करे प्रोसीडिंग को जिसपे उसका अधिकार नहीं है। सर्टियोरी, री एग्जामिनेशन ऑफ एन ऑर्डर गिवन बाई जुडिशियल क्वासी जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, सर्टियोरी ये सर्टिफाइड करता है यानी री एग्जामिन करता है किसी भी ऑर्डर को जो कि दिया गया है जुडिशियल या क्वासी जुडिशियल व एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के द्वारा।
अब इन सिविल और क्रिमिनल मैटर द फर्स्ट रेमेडी अवेलेबल टू एन एग्री पर्सन इज दैट ऑफ ट्रायल कोर्ट फॉलोड बाई एन अपील इन हाई कोर्ट एंड देन सुप्रीम कोर्ट। सिविल और क्रिमिनल मैटर में क्या होता है, सबसे पहला रेमेडी होता है कि हम सबसे पहले ट्रायल कोर्ट में जाए, उसके बाद अपील करें हाई कोर्ट में, उसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास सुप्रीम कोर्ट रहता है। वेन इट कम टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच दी हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32। लेकिन जब वायलेशन होगा फंडामेंटल राइट का तो इंडिविजुअल अप्रोच कर सकता है हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 226 हाउएवर इज नॉट ए फंडामेंटल राइट लाइक आर्टिकल 32। लेकिन आर्टिकल 226 जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है आर्टिकल 32 के जैसा, मतलब ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के ये हाई कोर्ट के ऊपर वो एक्सेप्ट करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है इस मैटर को। अब सुप्रीम कोर्ट रिसेंट ऑब्जर्वेशन, जो सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही में ऑब्जर्वेशन हुआ इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950, द सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व दैट आर्टिकल 32 प्रोवाइडेड ए गारंटी रेमेडी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। जो रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस था 1950 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि जो आर्टिकल 32 है वो गारंटी देता है रेमेडी इन्फोर्स करने के लिए फंडामेंटल राइट को। दिस कोर्ट इज दस कंस्टिट्यूटेड द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इट कैन नॉट कंसिस्टेंटली विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेड अपॉन इट रीयूज टू certain application seeking protection against infringement of such right the court observed। और ये जो है कोर्ट ने कंस्टिट्यूट किया था प्रोटेक्टर के रूप में गारंटर के रूप में फंडामेंटल राइट को और इसको कंसिस्टेंटली और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है कि नहीं रिफ्यूज करे व इंटरटेन करे एप्लीकेशन को प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फ्रिंगमेंट के जो उस राइट का करे कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था। ड्यूरिंग दी एमरजेंसी इन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट द पुलपुर वर्सेज एस शुक्ला 1976 केस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिटीजन जो है वो लूज कर जाता है राइट टू अप्रोच कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 अगर इमरजेंसी है तो। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट से दैट इट इज इवेंचुअली एट द डिस्क्रिशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ईच इंडिविजुअल जज टू डिसाइड वेदर एन इंटरवेंशन इज वारंटेड इन ए केस विच कुड ऑल्सो बी हर्ड बाई हाई कोर्ट फर्स्ट। और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने यह कहा था कि यह डिस्क्रिशन पर सुप्रीम कोर्ट का और हर एक इंडिविजुअल जज का कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि इंटरवेंशन जरूरी है इस केस में व ये केस हाईकोर्ट के द्वारा पहले देखा जाए। लेकिन अभी हाल ही का ऑब्जर्वेशन क्या है, ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ ए पिटीशन सीकिंग द रिलीज ऑफ ए जर्नलिस्ट हु वाज अरेस्टेड व्हाइल रिपोर्टिंग ऑन ए एलिज गैंगरेप एंड मर्डर। अभी हाल ही में जो केस था जिसमें एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था 3 और जर्नलिस्ट के साथ जब वो रिपोर्ट करने गए थे एलिज गैंगरेप और मर्डर के केस को, कोर्ट ने बोला कि पिटीशन जो है वो जाना चाहिए पहले हाईकोर्ट में उसके बाद वहां पे। इन अदर केस इन वॉकिंग आर्टिकल 32 अ नागपुर बेस्ड मैन वाज अरेस्टेड फॉर एलिज डिफेमेटरी कंटेंट अगेंस्ट महाराष्ट्र सीएम द सेम बेंच डायरेक्टेड हिम टू अप्रोच द हाई कोर्ट फर्स्ट। और जो दूसरा केस था जिसमें आर्टिकल 32 का यूज हुआ था नागपुर बेस्ड मैन को जो अरेस्ट किया गया था एलिज डिफेमेटरी कंटेंट को लेके अगेंस्ट महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर के, सेम बेंच ने उनको डायरेक्ट किया था कि वो अप्रोच करे पहले हाई कोर्ट में उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं इस केस को लेके। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ब्रू रेफ्यूजी डिमांड एंड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेटलमेंट पैक्ट। जो ब्रू रेफ्यूजीज है वो डिमांड कर रहे हैं कि इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो सेटलमेंट पैक्ट साइन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा उसका। लीडर ऑफ मिजोरम ब्रू रिफ्यूजी हैव डिमांडेड कमेंसमेंट ऑफ देयर परमानेंट रिहेबिलिटेशन इन त्रिपुरा इन द लाइट ऑफ द क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइन इन न्यू दिल्ली इन जनवरी। जो लीडर है मिजोरम ब्रू रिफ्यूजी के, उन्होंने डिमांड किया है कि जल्दी से जल्दी कमेंसमेंट होना चाहिए, परमानेंट रिहेबिलिटेट उनको करना चाहिए त्रिपुरा में जो उनका क्वाड्रीपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया गया था न्यू दिल्ली में जनवरी में उसके अनुसार। रीजन क्या है डिले होने का, द गवर्नमेंट हैव सेलेक्टेड 12 प्लेसेस इंक्लूडिंग द कंचनपुर सब डिवीजन इन नॉर्थ त्रिपुरा वेयर द ब्रूज हैव बीन हाउस इन 6 मैक्स शिफ्ट कैंप इन 1997। हाउएवर द डिसीजन टू सेटल सम ऑफ द रिफ्यूजी इज फेसिंग प्रोटेस्ट फ्रॉम ए लोकल फोरम कॉल्ड जॉइंट मूवमेंट। जो मूवमेंट था जो कि सिलेक्ट किया 12 प्लेसेस को जिसमें कि कंचनपुर सब डिवीजन भी आता है नॉर्थ त्रिपुरा का, जहां पे ब्रूज जो से पहले से रहते थे सिंस 1997 से। लेकिन जो डिसीजन था कि वो सेटल करे कुछ रिफ्यूजी को, उनका प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ रहा है लोकल फोरम के कारण जो कि जॉइंट मूवमेंट चलाया गया है इसके अगेंस्ट। ब्रू रियांग रेफ्यूजी एग्रीमेंट, जो ब्रू रियांग रेफ्यूजी एग्रीमेंट था वो था क्या, द एग्रीमेंट साइन इन जनवरी दिस ईयर इज बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम और ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव टू एंड द 23 ईयर ओल्ड ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस। ये जो ब्रू रियांग रेफ्यूजी एग्रीमेंट था, ये एग्रीमेंट साइन किया गया था जनवरी में इसी साल बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा एंड मिजोरम और जो ब्रू रियांग रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ मिलकर, इन चारों के साथ मिलकर जो कि 23 ईयर से चला आ रहा था ओल्ड ब्रू रियांग रेफ्यूजी क्राइसिस उसको एंड करने के लिए। इस एग्रीमेंट के बारे में हम कुछ जान लें, अंडर दिस एग्रीमेंट द सेंटर हैज अनाउंस अ पैकेज ऑफ ₹600 करोड़ अंडर दिस एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत सेंटर ने
अनाउंस किया एक पैकेज 600 करोड़ का। एज पर द एग्रीमेंट द ब्रू ट्राइब वुड बी गिवन लैंड टू रिसाइड इन त्रिपुरा। इस एग्रीमेंट के अनुसार जो ब्रू ट्राइब्स है उनको लैंड दिया जाएगा रिसाइड करने के लिए त्रिपुरा पर। अ फिक्स डिपॉजिट ऑफ रूपीज 4 लाख विल बी गिवन टू इच फैमिली एज एन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एड। दे विल बी एबल टू विद्रॉ दिस अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। और एक फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा 4 लाख का जो कि हर एक फैमिली के नाम पर होगा जो गवर्नमेंट डिपॉजिट करेगा एड के रूप में। और ये जो है विद्रॉ किया जा सकता है 2 ईयर्स के बाद। ईच ऑफ दिस डिस्प्लेस फैमिली विल बी गिवन 40x30 square feet रेसिडेंशियल प्लॉट। और जो हर एक डिस्प्लेस फैमिली है उनको 40x30 square feet का रेसिडेंशियल प्लॉट अलॉट किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम देम ईच फैमिली विल बी गिवन ₹5,000 cash पर मंथ फॉर 2 ईयर्स। इसके अलावा हर एक फैमिली को 5,000 cash दिया जाएगा पर मंथ 2 ईयर्स तक के लिए। द एग्रीमेंट हाईलाइट दैट ईच डिस्प्लेस्ड फैमिली विल ऑल्सो भी गिवन फ्री राशन फॉर 2 ईयर एंड एड ऑफ ₹1.5 lakh टू बिल्ड देयर हाउसेज। इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये भी कहा गया था कि जो डिस्प्लेस फैमिली है उनको फ्री राशन दिया जाएगा 2 साल तक और मदद प्रोवाइड किया जाएगा 1.5 lakh का ताकि वो अपने घर को बना सके। अब जरूरत क्यों पड़ा तो मोर देन 30,000 ब्रू ट्राइब्स हु फ्लेड मिजोरम और रेसाइडिंग इन त्रिपुरा रेफ्यूजी कैंप। जो मोर देन 30,000 ब्रू ट्राइब्स है जो कि फ्लेड कर गए थे मिजोरम से वो रेसाइड कर रहे हैं त्रिपुरा के रेफ्यूजी कैंप पे। दिस एग्रीमेंट विल ब्रिंग अ permanent solution for the rehabilitation of thousands of Bru Rian people in Tripura. They will be able to enjoy the benefit of all social welfare scheme of government. ये जो agreement है वो क्या करेगा, एक permanent solution कर देगा rehabilitation का जो problem था thousands of Bru Rian people का त्रिपुरा में, उसको पूरी तरीके से sort out कर देगा। इससे क्या होगा, उनको जो benefit बाकी people को मिल रहा है social welfare scheme का government का, वो benefit का लाभ ये भी उठा पाएंगे। इससे उनका economic और social development होगा और वो अब refugee नहीं रहेंगे। Who are Brus? Brus है कौन? The Brus also referred to as Riang are spread across the northeastern state of Tripura, Assam, Manipur and Mizoram. जो ब्रूज है उनको हम रियांग्स भी कहते हैं जो कि स्प्रेड किए हुए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के त्रिपुरा, असम, मणिपुर और मिजोरम पे। इन त्रिपुरा दे आर रिकॉग्नाइज एज पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप। मिजोरम दे हैव बीन टारगेटेड बाय ग्रुप दैट डू नॉट कंसीडर देम इंडिजिनस टू द स्टेट। और त्रिपुरा में इनको रिकॉग्नाइज किया गया है कि एक पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, जबकि मिजोरम में इनको टारगेट किया जाता है ग्रुप के द्वारा कि ये उनको इंडिजिनस नहीं मानते स्टेट के, इस कारण उनको टारगेट किया जाता है। इसलिए इसका रिजोल्यूशन जितनी जल्दी हो जाएगा, इस क्राइसिस को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा, वो उतना अच्छा होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हुरिकेन लोटा। तो अभी अब हाल ही में हुरिकेन लोटा आया है, तो सबसे पहले तो ये किस प्लेस में आया वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, फिर हुरिकेन होता है क्या हम ये सब जानेंगे। तो हुरिकेन लोटा हैज मेड लैंडफॉल इन निकारगुआ इन सेंट्रल अमेरिका एंड हैड डेवलप्ड इनटू अ कैटेगरी 5 स्टॉर्म। जो हुरिकेन लोटा था वो आया है निकारगुआ सेंट्रल अमेरिका पे और वो कैटेगरी 5 का स्टॉर्म पे डेवलप कर गया है। ये आप देख सकते हैं लोकेशन निकारगुआ का। अब When do hurricane occur? Hurricane occur कब करता है? The Atlantic hurricane season run from June to November and cover the Atlantic Ocean, the Caribbean Sea and Gulf of Mexico. While the Eastern Pacific hurricane season run from May 15 to November 30. जो Atlantic hurricane का season होता है वो June से November को होता है, जो कि cover करता है Atlantic Ocean, Caribbean Sea और Gulf of Mexico को, जबकि जो Eastern Pacific hurricane का season होता है वो May 15 से November 30 का होता है। Hurricane are categorized on the Saffir-Simpson hurricane wind scale with red them on a scale of 1 to 5 based on wind speed. Hurricane को categorize किया जाता है Saffir-Simpson hurricane wind scale पे, जो कि rate करता है उनको scale of 1 से 5 पे wind के speed पे। Hurricane that reach category 3 or higher are called major hurricane because of their potential to cause devastating damage to life and property. जो hurricane है जो कि category 3 वो उससे ज्यादा का होता है उसको major hurricane बोला जाता है, क्योंकि उसका potential होता है बहुत ज्यादा devastation करने का, damage करने का life and property का। What are hurricanes and how do they form? Hurricane है क्या, वो बनते कैसे है? Tropical cyclone or hurricane use warm moist air as fuel and therefore form over warm ocean water near the equator. जो tropical cyclone या hurricane होता है वो use करता है warm moist air को एक fuel के रूप में, और उसके बाद क्या होता है वो warm ocean के ऊपर water जो होता है near equator के पास वहाँ पे create करता है। As NASA describe it, when the warm moist air rises upward from the surface of the ocean, it creates an air of low air pressure below. NASA ने जैसा कि डिस्क्राइब किया कि जब वार्म मॉइस्ट एयर राइज करता है ऊपर की तरफ सरफेस से ओशियन का, तो वहां पे क्या होता है, खाली जगह हो जाता है, इस कारण वहां पे लो एयर प्रेशर बन जाता है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस टू फिल द प्लेसेस इवेंचुअली राइजिंग व्हेन इट कम्स वार्म एंड मॉइस्ट टू। और जो एयर होता है सराउंडिंग एरिया का वो रश करता है फिल करने के लिए इस प्लेस को, जब इवेंचुअली राइज कर जाता है वार्म एयर ऊपर की तरफ। तो वेन दी वार्म एयर राइजेस एंड कूल ऑफ दी मॉइस्चर फॉर्म क्लाउड, जब वार्म एयर राइज करता है और कूल करता है तो मॉइस्चर बन के वहां पे क्लाउड बन जाता है। ये जो सिस्टम है क्लाउड का, जो विंड कंटिन्यू ग्रो करते रहता है, स्पिन करता है, वो फ्यूल्ड हो जाता है ओशियन हीट के कारण, और जो वाटर इवेपोरेट होता है सरफेस से इस कारण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
एज सच स्टॉर्म सिस्टम रोटेट फास्टर एंड फास्टर एंड आई फॉर्म इन दिस सेंटर। और ये जो स्टॉर्म सिस्टम होता है वो रोटेट करता है और फास्ट और उससे क्या होता है एक आई बन जाता है सेंटर पे। स्टॉर्म दैट फॉर्म टुवर्ड द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर रोटेट काउंटर क्लॉक वाइज वाइल टोज दैट फॉर्म टू साउथ स्पिन क्लॉक वाइज बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। और स्टॉर्म जो कि बनता है नॉर्थ में इक्वेटर का वो रोटेट करता है काउंटर क्लॉक वाइज जबकि जो स्टॉर्म बनता है साउथ में वो रोटेट करता है क्लॉक वाइज। क्यों? तो जो रोटेशन है अर्थ का इस कारण उसमें कोरियोलिस फोर्स का भी इम्पैक्ट पड़ता है। डिफरेंस बिटवीन ह्यूरिकेन साइक्लोन एंड टाइफून, हम डिफरेंस देख लेंगे क्या डिफरेंस है ह्यूरिकेन साइक्लोन एंड टाइफून पे। ह्यूरिकेन साइक्लोन एंड टाइफून आर ऑल ट्रॉपिकल स्टॉर्म, दे आर ऑल द सेम थिंग बट आर गिवन डिफरेंट नेम डिपेंडिंग ऑन वेयर दे अपीयर। व्हेन दे रीच पॉपुलेटेड एरिया दे यूजुअली ब्रिंग वेरी स्ट्रॉन्ग विंड एंड रेन विच काउज ए लॉट ऑफ डैमेज। जो ह्यूरिकेन होता है साइक्लोन होता है टाइफून होता है ये सारे ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ही है लेकिन इनका जो नाम है वो अलग अलग इसलिए है डिपेंड करता है जहां पर वो अपीयर करते हैं रीजन के हिसाब से। और वो जब पहुंचते हैं पॉपुलेटेड एरिया पर यूजुअली अपने साथ स्ट्रॉन्ग विंड और रेन लाते हैं जिस कारण बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ह्यूरिकेन जो है वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म होता है जो कि बनता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन व नॉर्थ पैसिफिक ओशियन पे जबकि साइक्लोन जो है वो बनता है साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशियन पे और टाइफून आपका नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशियन पे बनता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टडी हाईलाइट ऑनलाइन एजुकेशन वॉज। जो स्टडी किया गया था वो हाईलाइट करा है जो ऑनलाइन एजुकेशन में परेशानी है वो जो प्रॉब्लम है। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड बाई अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ऑन द एफिकेसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ ई लर्निंग। एक स्टडी कंडक्ट किया गया अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिकेसी को लेकर और जो एक्सेसिबिलिटी है ई लर्निंग को लेकर कि कितना इफिशियंट है और कितना आसानी से एक्सेसिबल हो सकता है ई लर्निंग। द स्टडी एग्जामिन द एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रेन एंड टीचर विथ ऑनलाइन एजुकेशन। ये जो स्टडी था इसने किया जो एक्सपीरियंस था चिल्ड्रेन का टीचर का ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। द स्टडी टाइटल मीट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन वाज अंडरटेकन इन 5 स्टेट अक्रॉस 26 डिस्ट्रिक्ट एंड कवर 1522 स्कूल। ये जो स्टडी था जिसका टाइटल था मीट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन उसको किया गया 5 स्टेट में 26 डिस्ट्रिक्ट जो कि कवर कर रहा था 1522 स्कूल्स को। व्हाट डज द स्टडी रिवील, इस स्टडी से क्या पता चला। मोर देन 60% ऑफ द रेस्पोंडेंट हु आर इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल कुड नॉट एक्सेस ऑनलाइन एजुकेशन। जो 60% रिस्पोंडेंट थे इसके स्टडी के जो कि इनरोल थे गवर्नमेंट स्कूल में वो उनके पास कोई एक्सेस नहीं था ऑनलाइन एजुकेशन का। नन अवेलेबिलिटी और इनएडिकेट नंबर ऑफ स्मार्टफोन फॉर डेडिकेटेड यूज और शेयरिंग एज वेल एज डिफिकल्टी इन यूजिंग ऐप फॉर ऑनलाइन लर्निंग वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई स्टूडेंट वर नॉट एबल टू एक्सेस क्लासेस। जो एबिलिटी नहीं था वो जो इनएडिकेट नंबर था स्मार्टफोन का जो कि डेडिकेट यूज था शेयरिंग के लिए ये एक डिफिकल्ट था ऐप को यूज कर पाना ऑनलाइन लर्निंग के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था स्टूडेंट के लिए कि वो नहीं एक्सेस कर पा रहे थे ऑनलाइन क्लासेस को। तो इससे कॉन्सर्न क्या चिंता निकल के आया, चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी फाउंड इट मोर डिफिकल्ट टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन सेशन। और चिल्ड्रेन जिसको कि डिसेबिलिटी था उनको और ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पार्टिसिपेट करने पर ऑनलाइन सेशन पे। 90% ऑफ द टीचर हु वर्क विद चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी फाउंड देयर स्टूडेंट अनेबल टू पार्टिसिपेट ऑनलाइन। और 90% जो टीचर थे जो कि वर्क कर रहे थे चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटी से वो फाउंड किया कि जो स्टूडेंट थे वो नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे ऑनलाइन। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पेरेंट्स सर्वेड वेयर ऑफ द ओपिनियन डेट ऑनलाइन क्लासेस वेयर नॉट इफेक्टिव एंड डिड नॉट हेल्प इन देयर चिल्ड्रेन लर्निंग। और जो 70% पेरेंट्स जिनको कि सर्वे किया गया वो इस ओपिनियन में थे कि जो ऑनलाइन क्लासेस वो इफेक्टिव नहीं है और हेल्प नहीं कर रहा है चिल्ड्रेन के लर्निंग पे। मोर देन 80% सर्वे सेड दैट दे वेयर अनेबल टू मेंटेन इमोशनल कनेक्ट। और जो 80% सर्वे है वो ये बताता है कि वो इमोशनल कनेक्ट नहीं कर पा रहे स्टूडेंट से ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस पे जबकि 90% ऑफ टीचर को ये महसूस हो रहा है कि कोई भी मीनिंगफुल असेसमेंट नहीं हो रहा है चिल्ड्रेन का लर्निंग का इस प्रोसेस में। तो इससे हम ये नहीं है कि ऑनलाइन एजुकेशन खराब है, प्रॉब्लम क्या था कि जो ऑनलाइन एजुकेशन एकाएक आया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो सडन शिफ्टिंग करना पड़ा तो इस कारण इसको अडेप्ट कर पाने में दिक्कत आ गया क्योंकि पहला क्या था इतना एडवांसमेंट नहीं था नेट का हर एक जगह गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही लेकिन उसको समय लगेगा कि समय के साथ जैसे नेट का ब्रॉडबैंड का प्रोवाइड किया जा रहा है अलग अलग स्टेट अलग अलग इनिशिएटिव ले रहा है उस हिसाब से जब नेट को प्रोवाइड कर दिया जाएगा मोबाइल फोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा तब पॉसिबल हो पाएगा। और बच्चों को सबसे पहले सिखाना होगा कि किस तरीके से वो यूज करे सिस्टम को और ऑनलाइन एजुकेशन का क्या क्या बेनिफिट है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट इजी टीच, आसान नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी होगी और समझना होगा। टीचर एंड स्टूडेंट दोनों का एफर्ट लेना होगा, सिर्फ किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। जो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आया इंटरनेट ऑफ थिंग का जो है आने वाले जनरेशन पे ऑनलाइन एजुकेशन मस्ट हो जाएगा तो वी हैव टू लुक अल्टरनेटिव ऑप्शन ताकि ये जो गैप अभी क्रिएट हुआ है इसको फिल किया जाए।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नर इनएक्शन एंड जुडिशियल स्क्रूटनी, इनएक्शन बाय गवर्नर ऑन एडवाइस। जो इनएक्शन है गवर्नर का एडवाइस के ऊपर, द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु हैज कंटिन्यू टू विथहोल्ड हिज डिसीजन ऑन एन एप्लीकेशन सीकिंग पार्डन बाय वन ऑफ द सेवन प्रिजनर कन्विक्टेड इन द राजीव गांधी असैसिनेशन केस। जो गवर्नर है तमिलनाडु का, उन्होंने विथहोल्ड करके रखा हुआ है अपना डिसीजन को, जो एप्लीकेशन था पार्डन को लेकर, जो वन ऑफ द सेवन प्रिजनर थे जो कि कन्विक्टेड थे राजीव गांधी के असैसिनेशन केस को लेकर। In September 2018, the Supreme Court has observed while hearing connected writ petition that governor should take a decision. जब September 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था, जब वो हियर कर रहे थे एक कनेक्टेड रिट पिटीशन को, कि गवर्नर जो है वो डिसीजन ले, द इनएक्शन बाय द गवर्नर नाउ हैज गिवन राइज टू कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन विद द एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इनएक्शन है गवर्नर के द्वारा, उसने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दिया एग्जीक्यूटिव आर्म में गवर्नमेंट का। पास जजमेंट ऑन पार्डनिंग पावर, जो इससे पहले जजमेंट आया है पार्डनिंग पावर को लेके, इन मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पार्डनिंग पावर अंडर आर्टिकल 72 एंड 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी एक्सरसाइज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, नॉट बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑन देयर ऑन। मरुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्डनिंग पावर है अंडर आर्टिकल 72 और 161 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है एक्सरसाइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा खुद से। द मेजोरिटी जजमेंट हेल्ड दैट एडवाइस ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाइंड दी हेड ऑफ स्टेट। और जो मेजोरिटी जजमेंट था, उनका यह मानना था कि जो एडवाइस है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का, वो बाइंड करता है हेड ऑफ स्टेट पे, यानी प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट पे। देयरफोर अ गवर्नर इज नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर इज इम्पावर्ड टू टेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द ऑर्डर और रिजोल्यूशन प्रेजेंटेड टू हर। इसीलिए गवर्नर से ना ही एक्सपेक्ट किया जाता है, ना ही वो इम्पावर है कि वो टेस्ट करे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑर्डर और रिजोल्यूशन का जो कि उनको प्रेजेंट किया गया है। इश्यू ऑफ डिले इन डिसीजन ऑफ मर्सी पिटीशन, जो इश्यू है डिले इन डिसीजन को लेकर मर्सी पिटीशन का। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट हैज एग्जामिन द इनऑर्डिनेट डिले बाई प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन टेकिंग डिसीजन ऑन मर्सी पिटीशन। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया जो इनऑर्डिनेट डिले किया जाता है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा डिसीजन लेने पे मर्सी पिटीशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ डीह्यूमनाइजिंग इफेक्ट ऑफ सच डिले। सुप्रीम कोर्ट ने जो केस था शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रिजम्पशन किया था कि जो डीह्यूमनाइज इफेक्ट पड़ता है उस डिले का। सुप्रीम कोर्ट कन्फर्म दैट ड्यू प्रोसेस गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 वाज अवेलेबल टू ईच एंड एवरी प्रिजनर टिल हिज लास्ट ब्रेथ। और सुप्रीम कोर्ट ने कन्फर्म किया था कि जो ड्यू प्रोसेस गारंटी किया गया अंडर आर्टिकल 21, जो कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, वो अवेलेबल है हरेक और हरेक प्रिजनर को टिल हिज लास्ट ब्रेथ, जब तक कि उनका अंतिम सांस है तब तक उनको दिया गया है। तो इस कारण इनऑर्डिनेट डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इनह्यूमन होगा प्रैक्टिस में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। कि क्या मैकेनिज्म है आपके पास फेक न्यूज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली आस्क द सेंट्रल टू एक्सप्लेन इज मैकेनिज्म अगेंस्ट फेक न्यूज एंड बाइगोट्री ऑन एयर एंड क्रिएट वन इफ डिड नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली पूछा है सेंट्रल से कि वो एक्सप्लेन करे जो मैकेनिज्म है उसके पास फेक न्यूज के खिलाफ और बाइगोट्री के खिलाफ, और अगर कुछ नहीं है तो वो एक क्रिएट करे। इश्यू क्या है, द कोर्ट सेट इज वॉज डिसअपॉइंटेड विद द कंटेंट ऑफ द लेटेस्ट गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल बाय इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे इन द तबलीगी जमात केस। कोर्ट जो है डिसअपॉइंटेड था जो कंटेंट था लेटेस्ट गवर्नमेंट के एफिडेविट में, जो कि फाइल किया गया था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे के द्वारा तबलीगी जमात केस में। द केस इज बेस्ड ऑन पिटीशन अगेंस्ट द कॉमनल कलर गिवन बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टू द होल्डिंग ऑफ तबलीगी जमात इवेंट इन द नेशनल कैपिटल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। जो केस था वो बेस्ड था पिटीशन पे अगेंस्ट कॉमनल कलर, उसको दिया गया था कुछ सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, जो कि तबलीगी जमात का जो इवेंट हुआ था नेशनल कैपिटल पे लॉकडाउन पे, उसको लेके बोला गया है। द जमात पिटीशन हैज सॉट ए डायरेक्शन फ्रॉम द कोर्ट टू द मिनिस्ट्री टू आइडेंटिफाई एंड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट सेक्शन ऑफ मीडिया दैट कॉमनलाइज द तबलीगी इंसिडेंट। और जो जमात पिटीशन है उसने डायरेक्शन मांगा कोर्ट से और बोला है कि मिनिस्ट्री को कि वो आइडेंटिफाई करे और स्ट्रिक्ट एक्शन ले उनके खिलाफ, मीडिया के खिलाफ जिसने कॉमनलाइज किया था तबलीगी इंसिडेंट को। फेक न्यूज, तो फेक न्यूज है क्या, सबसे पहले हमको ये समझना होगा। फेक न्यूज इज न्यूज स्टोरी और हॉक्सेस क्रिएटेड टू डेलिबरेटली मिस इन्फॉर्म और डिसीव रीजर। फेक न्यूज जो है वो न्यूज है, स्टोरी है, वो अफवाहें हैं जो कि क्रिएट किया जाता है मिस इन्फॉर्म करने के लिए व डिसीव करने के लिए रीडर को। Usually this story are created to influence people view, push a political agenda or cause confusion and can
ऑफन बी प्रॉफिटेबल बिजनेस फॉर ऑनलाइन पब्लिशर। ज़्यादातर ये स्टोरीज है उसको क्रिएट किया जाता है ताकि इन्फ्लुएंस किया जाए पीपल के व्यू को, प्यूज किया जाए पॉलिटिकल एजेंडा को और कन्फ्यूज किया जाए उनको, ताकि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस है ऑनलाइन पब्लिशर का वो लोग उसको और ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। देयर आर थ्री एलिमेंट टू फेक न्यूज, मिसट्रस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन एंड मैनिपुलेशन। तीन एलिमेंट है फेक न्यूज का, मिसट्रस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेशन। पहला तो हम मिसट्रस्ट करा देता है हमको, हम ट्रस्ट नहीं कर पाते रियल चीज क्या है फेक चीज क्या है। फिर मिस इन्फॉर्मेशन, वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो गलत इन्फॉर्मेशन के कारण र्यूमर जो फैलता है उस कारण बहुत सारे नुकसान होते हैं। और मैनिपुलेशन, जो डाटा को मैनिपुलेट किया जाता है, जो बोला गया उसको पूरा सेम एटीट्यूड नहीं प्रेजेंट किया जाता है, कुछ क्लिप्स यहाँ के रहते हैं, कुछ क्लिप को मैनिपुलेट करके कुछ और, उससे क्या होता है जो उसका कोर होता है वो बदल जाता है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। काउजेस फॉर राइज इन फेक न्यूज, क्या रीजन है जो इतना केसेस बढ़ा है फेक न्यूज का। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इंटरनेट एंड सोशल मीडिया का, ये भी एक रीजन है राइज होने का फेक न्यूज का। लैक ऑफ चेकिंग ऑथेंटिसिटी, कोई चेकिंग नहीं है कि जो चेक एंड बैलेंस रखे, तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि जो इतना वास्ट इंटरनेट मीडिया में, इतना सारा सोशल प्लेटफॉर्म है कि हर एक को चेक किया जाए। लेकिन हाँ, एक होना चाहिए कि जो प्रॉपर इसको चेक करे, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए ताकि जो फेक न्यूज है उसको कम से कम किया जाए। नो कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सोशल मीडिया, और कोई कोड ऑफ प्रैक्टिस नहीं है सोशल मीडिया के लिए कि हाँ उसको ये फॉलो करना होगा। एक इथिकलिटी मॉरलिटी बोल के टर्म है जो कि होना चाहिए कि हाँ सोशल मीडिया तो हाँ इथिकल चीज है तो इसको पोस्ट करेंगे, ये इस चीज में होना चाहिए। स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेक न्यूज, ऑर्गेनाइज एंड स्वीडेड डिसमिनेटेड टू ए टारगेट पॉपुलेशन। और एक स्ट्रेटिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है फेक न्यूज का, जिसको कि ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्वीडेड डिसमिनेट किया जाता है टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को। अब रिसेंट एफर्ट बाय गवर्नमेंट, जो अभी हाल ही में एफर्ट लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी, अ थिंक टैंक अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री, हैड पब्लिश गाइडलाइन टू एड लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी टू आइडेंटिफाई फेक न्यूज एंड वीडियो। जो ब्यूरो है पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जो कि थिंक टैंक है अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री के, उन्होंने पब्लिश किया एक गाइडलाइन जो कि मदद करेगा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का आइडेंटिफाई करने में फेक न्यूज और वीडियो को। वॉट एल्स इज नीडेड, इसके अलावा और क्या जरूरत है। The government must take the initiative to make all section of the population aware of the realities of this information war and evolve a consensus to fight this war. Government को initiative लेने की जरूरत है कि वो aware करे सारे section को population का जो realities है इस information war का, और evolve करे एक consensus ताकि लड़ा जा सके इस war से। Strict action against the fake news provider, strict action की जरूरत है जो fake news provide करते हैं। Government should have independent agency to verify the data being circulated in social and other media. The agency should be tasked with presenting real fact and figure. Government का एक independent agency होना चाहिए जो कि verify करे इस data को जो कि circulate किया जा रहा है social media व other media पे, और ये जो agency है उसका task होना चाहिए कि वो present करे real fact और figure को, तो इससे जो misinformation फैला वो उसी समय clear हो जाएगा। Social media website should be made accountable of such activity so that it become their responsibility to have better control over the spread of fake news. और social media website को accountable होना चाहिए वैसे activity के लिए, और वो उससे क्या होगा ज्यादा responsible होंगे, बेटर कंट्रोल करेंगे स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, पार्टिकुलरली मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग माइट बी लिवरेज टू कॉम्बेट द फेक न्यूज प्रॉब्लम। और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, पार्टिकुलरली मशीन लर्निंग हो गया व नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, उसको हम यूज कर सकते हैं एक टेक्नोलॉजी के रूप में ताकि कॉम्बेट किया जा सके फेक न्यूज प्रॉब्लम को। अब आज हम लोगों ने जो पढ़ा उसके बारे में हम ब्रीफली बुलेट पॉइंट जान ले कि हम लोगों ने किस किस टॉपिक में क्या क्या समझाया। तो सबसे पहला टॉपिक था हमारा आर्टिकल 32 एंड द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम लोगों ने जाना वाई न्यूज, फिर आर्टिकल 32 के बारे में हम लोगों ने डिटेल्स में जाना, फिर जो राइट प्रोटेक्टेड है अंडर आर्टिकल 32 ये देखा, फिर टाइप ऑफ रिट, जो रिट हम लोगों को अंडर आर्टिकल 32 मिला है, हैबियस कॉर्पस, मैंडामस, थ्योरी, प्रोहिबिशन, क्यो वेरेंटो, इसके बारे में जाना, फिर हाई कोर्ट को जो पावर दिया गया है रिट इश्यू करने का आर्टिकल 226 में वो, फिर सुप्रीम कोर्ट का जो रिसेंट ऑब्जर्वेशन है वो, देन हम लोगों ने किया ब्रू रेफ्यूजी डिमांड इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेटलमेंट पैक्ट, तो ये न्यूज में क्यों आया, फिर क्या रीजन है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन का जो सेटलमेंट पैक्ट साइन हो गया क्यों ये डिले हो रहा है, फिर ब्रू रेंग रिफ्यूजी एग्रीमेंट के बारे में जाना, फिर इस एग्रीमेंट का हाईलाइट को देखा जरूरत क्यों पड़ा, फिर ब्रूज कम्युनिटी है कौन, देन हम लोगों ने किया हुरिकेन लोटा, तो सबसे पहले तो इसका रीजन जाना कहाँ पे ही आया, फिर व्हेन डू हुरिकेन अकर, हुरिकेन कब होता है, हुरिकेन है क्या और वो बनता कैसे है, फिर डिफरेंस क्या है हुरिकेन साइक्लोन और टाइफून पे। देन हम लोगों ने किया स्टडी हाईलाइट ऑनलाइन एजुकेशन वॉर्स, इसमें हम लोगों ने देखा किसने कंडक्ट किया इस स्टडी को, ये स्टडी किस लिए था, स्टडी ने क्या बताया और क्या चिंता है। देन हम लोगों ने किया गवर्नर इन एक्शन एंड जुडिशियल स्क्रूटिनी, इसमें हम लोगों ने देखा
जो इनेक्शन गवर्नर के द्वारा किया गया है, पास जो जजमेंट था इससे रिलेटेड, और इश्यू जो डिले हो रहा है, और फिर जो कोर्ट का वर्दिक था इसको लेके, और लास्ट टॉपिक था हमारा व्हाट मैकेनिज्म डू यू हैव अगेंस्ट फेक न्यूज सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। तो ये न्यूज में क्यों आया, फिर इश्यू क्या था, फेक न्यूज है क्या, क्या रीजन है कि जो केसेस है फेक न्यूज का बढ़ रहा है, जो रिसेंट एफर्ट लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है ताकि इसको कर्व किया जा सके। दैट्स ऑल फॉर डेली करेंट अफेयर सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।